प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के YouTube चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं BA सेकेंड ईयर राजस्थान भूगोल के, और राजस्थान भूगोल के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक था राजस्थान की जलवायु, वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका था। हमने अभी तक जो अध्ययन किया है वो किया है, एक तो राजस्थान के राज्य का जो निर्माण है या हम कह सकते हैं एकीकरण है उसके बारे में, फिर हमने राजस्थान की कुछ सामान्य जानकारी के बारे में देखा, फिर हमने राजस्थान के भू आकृतिक जो प्रदेश हैं, भौतिक प्रदेश, उनके बारे में देखा, फिर उसके बाद में जो राजस्थान की जलवायु हैं उस जलवायु को विस्तृत रूप से हमने देखा। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है राजस्थान में जो अपवाह तंत्र हैं, वो अपवाह तंत्र किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, कहाँ से कहाँ तक उनका विस्तार पाया जाता है, किस क्षेत्र में वो सिंचाई प्रदान करती हैं, किस क्षेत्र में वो पेयजल के लिए हैं, किस क्षेत्र में वो जल विद्युत के लिए, और वो नदियाँ चलते वक्त अपनी बहुत संरचनाएँ बनाती हैं, वो संरचनाएँ किस प्रकार से हैं, नदियों का जो महत्व है वो महत्व हमारे जीवन में किस प्रकार से, वो नदियों का जो मार्ग है वो मार्ग किस दिशा की ओर अग्रसर हैं, वो सारी की सारी विशेषताएं हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं राजस्थान के अंतर्गत जो अपवाह तंत्र है उस अपवाह तंत्र को। सबसे पहले इस अपवाह तंत्र को देखेंगे, किसे कहते हैं अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र या हम कह सकते हैं अपवाह प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम की बात चल रही है। ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है, एक छोटा सा उदाहरण स्वरूप, ये एक नलिका है, या हम कह सकते हैं वाहिकाएं। नलिका या वाहिका, किसी निश्चित नलिका या वाहिका के माध्यम से, इस माध्यम से, ये एक छोटी सी नलिका है, इसके माध्यम से जो जल का प्रवाह हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, अपवाह बोलते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अपवाह बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, एक नलिका होती है, उस नलिका के मध्य में क्या होता है, जल, और जल अपना मार्ग निर्धारित करता हुआ चला जाता है, इसको हम बोलते हैं अपवाह। क्या बोलते हैं, अपवाह। हम बात कर रहे हैं तंत्र की, तो तंत्र क्या होता है, देखिए किसी निश्चित नलिकाओं या वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं, और इस अपवाह के
जाल को क्या कहा जाता है? अपवाह है, तंत्र कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा अपवाह है क्या होता है और अपवाह है तंत्र क्या होता है। अपवाह है सिर्फ जल प्रवाह की बात की, और इस प्रकार के जल प्रवाह का जो जाल पाया जाता है उसको हम क्या बोल रहे हैं? अपवाह है तंत्र को। कुछ और शब्दावलियां हैं, जैसे हम बात करेंगे अपवाह है बेसिन या अपवाह है द्रोणी। ये हिंदी में शब्द हैं, इस हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो डायरेक्ट लिखते हैं बेसिन। इस प्रकार से अपवाह द्रोणी क्या होती हैं ये देखेंगे। एक क्षेत्र है, ये संपूर्ण क्षेत्र की बात चलेगी, आप देखिए इस क्षेत्र के अंतर्गत इस संपूर्ण क्षेत्र में देखिए, वह संपूर्ण क्षेत्र जिस पर धरातलीय जल का निकास, धरातलीय जल का निकास, ये धरातलीय जल का निकास हो रहा है, किस दिशा में हो रहा है? प्राय एक दिशा में हो रहा है। वह संपूर्ण क्षेत्र जिस पर धरातलीय जल का निकास प्राय एक दिशा में सहायक नदियों द्वारा, मुख्य नदी, सहायक नदियों द्वारा मुख्य नदी की ओर होता है, उस क्षेत्र को आप क्या बोलोगे? अपवाह है बेसिन। बात समझने की कोशिश कीजिए, ये मैंने एक क्षेत्र है उसको प्रदर्शित किया है और इसके अंतर्गत कुछ सहायक नदियां हैं। देखिए सहायक नदियां क्या होती हैं? जो किसी एक नदी में गिरती हो, जिसकी ये शाखाएं हैं, इन नदियों का जल एक मुख्य नदी की ओर आता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि वह संपूर्ण क्षेत्र जिस पर यह जो धरातल है, इस धरातल के जल का निकास प्राय किस दिशा में हो रहा है? एक दिशा में हो रहा है। एक दिशा का मतलब इस क्षेत्र ए क्षेत्र का जल भी यहाँ से यहाँ आ गया, इस बी क्षेत्र का जल यहाँ से यहाँ आ गया, इस सी क्षेत्र का जल यहाँ से यहाँ आ गया, इस प्रकार सारे क्षेत्र का जल प्राय किस दिशा में हो रहा है? एक दिशा में होता है। किसके माध्यम से होता है? सहायक नदियों से मुख्य नदी की ओर होता है, सहायक नदियों से मुख्य नदी की ओर होता है, उस क्षेत्र को आप क्या कहोगे? अपवाह है द्रोणी या अपवाह है बेसिन कहा जाता है, ठीक है। एक शब्दावली और भी आती है, ये शब्दावली इसलिए है कि बाद में सिर्फ नाम लिया जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अपवाह है बेसिन की बात करेंगे तो ये नहीं कि अपवाह है बेसिन क्या होता है, आपको पहले से ही पता होना चाहिए। अगले क्षेत्र की बात करते हैं, जल विभाजक।
जल विभाजक क्या होता है ये देखेंगे। देखिए क्या है, आपको एक एक उच्च भूभाग नजर आ रहा है ना। वह उच्च भूभाग जो मुख्य नदी को क्या कर देता है, विशिष्ट दिशाओं में विभाजित कर देता है। यहाँ से मुख्य नदी आ रही है लेकिन ये एक उच्च भूभाग है, इसको ये नदी काट नहीं सकती हैं। इसके कारण ये जो जल है वो जल कहीं ना कहीं तो निकास करेगा, इसलिए ये विशिष्ट शाखाओं में विभाजित हो जाता है जल। इसी भूभाग को आप क्या कहोगे, जल विभाजक कहोगे। तो याद रखना, जल विभाजक क्या होता है कि वह उच्च भूभाग जो मुख्य नदी को विशिष्ट शाखाओं में एक अपवाह तंत्र को विशिष्ट शाखाओं में विभाजित करता है उसे जल विभाजक कहते हैं। तो ये कुछ मुख्य शब्दावलियाँ थी जिसके बारे में आपने देख लिया है। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान की अपवाह प्रणाली या अपवाह तंत्र। देखिए राजस्थान के अंतर्गत बात करें तो हम बात कर रहे हैं भूगर्भिक संरचना की, और भूगर्भिक संरचना की बात करें तो भूगर्भिक संरचना के आधार पर हमने कुछ भौतिक प्रदेशों की बात की थी, जिसमें एक भौतिक प्रदेश था अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये अरावली पर्वतीय प्रदेश क्या कार्य करता है, ये वही कार्य करता है कौन सा, जो जल विभाजक का है। जल विभाजक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान किस भौतिक प्रदेश का है, अरावली पर्वतीय प्रदेश का। अरावली पर्वतीय प्रदेश को हम एक जल विभाजक के रूप में देखते हैं, और ये जल विभाजक होने के कारण यहाँ पर जल दो भागों में बंटता है। अब दो भाग कैसे, देखिए भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अरावली की। यहाँ से एक दिशा तो ये दिखाई दे रही है हमें पूर्व, एक दिखाई दे रही है पश्चिम। इस क्षेत्र का जो जल है पश्चिम का और इस क्षेत्र का जो जल है पूर्व का, ये कहाँ पर चला जाता है। अब आप दो बड़े जलाशयों के रूप में यहाँ देखते हो, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, दो बड़े जलाशय। तो राजस्थान का जो जल है, हम बात कर रहे हैं पश्चिमी क्षेत्र की, ये जल कहाँ आता है। पश्चिमी क्षेत्र की बात करेंगे तो पश्चिमी क्षेत्र का जल कहाँ गया, अरब सागर में चला गया। और पूर्व की बात करेंगे तो पूर्व का जल कहाँ गया,
पूर्व का जल गया बंगाल के खाड़ी। इस जल विभाजक ने राजस्थान के जल को कितने भागों में विभाजित कर दिया? दो भागों में विभाजित कर दिया है, एक तो अरब सागर का जो जल और दूसरा बंगाल की खाड़ी का जल। दो भागों में अरावली पर्वतीय प्रदेश ने विभाजित कर दिया राजस्थान के अपवाह तंत्र को। अब देखिए, इसके बावजूद भी क्या है कि ये इतना शुष्क एरिया है राजस्थान, क्या होता है जल स्वयं सूख जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आंतरिक जल प्रवाह की। आंतरिक जल प्रवाह का मतलब ये है कि न तो पानी अरब सागर में जाएगा और न पानी बंगाल की खाड़ी में जाएगा। तो पानी क्या हो जाता है, राजस्थान के आंतरिक भागों से गुजरते हुए समाप्त हो जाता है। तो ऐसे अपवाह तंत्र को आप किस में रखोगे, आंतरिक जल प्रवाह में रखा जाता है। तो देखिए, आंतरिक जल प्रवाह है राजस्थान के अंतर्गत सबसे ज़्यादा है, लगभग 60% आपको राज्य का क्षेत्र किस प्रकार का प्रवाह दिखाएगा, आंतरिक जल प्रवाह का रूप दिखाई देगा। अब इसी के आधार पर हम अध्ययन करेंगे। अध्ययन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे हम अपवाह तंत्रों का। किस आधार पर करेंगे ये देखिए। नदियों की प्रकृति, दिशा और प्रवाह प्रणाली के आधार पर अध्ययन करेंगे। नदियों की प्रकृति, प्रवाह प्रणाली और दिशा के आधार पर हम राजस्थान के अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे। और इस आधार पर कितने रूप स्पष्ट हुए, पहला हुआ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, दूसरा स्पष्ट हुआ अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और तीसरा स्पष्ट हुआ आंतरिक जल प्रवाह। आंतरिक जल प्रवाह में हम साथ साथ में क्या देखेंगे, नदियां जो सूख जाती है वो तो देखेंगे, इसके साथ साथ में जो झीलें हैं खारे पानी की, मीठे पानी की, उन झीलों के बारे में भी देखेंगे। अब देखिए, जो बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं, इन नदियों में सबसे महत्वपूर्ण बात, इस क्षेत्र की बात चल रही है, इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो सदावाहिनी। सदावाहिनी या नित्यवाहिनी का मतलब क्या होता है कि वो वर्ष भर क्या है, लगातार चलती रहती हैं। पूर्णतः तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ समय के लिए शुष्क हो जाती हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि पूर्व के अंतर्गत एक नदी है चंबल, इसको हम मान सकते हैं कि ये किस प्रकार की नदी है, सदावाहिनी नदी। इसकी जो सहायक नदियां हैं, जैसे काली सिंध की बात करते हैं, जैसे पार्वती की बात करते हैं, जैसे बनास की बात करते हैं, ये सारी की सारी क्या हैं, चंबल की सहायक नदियां हैं। इन्हीं नदियों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, फिर हम बात करेंगे अरब सागर की, और फिर लास्ट में हम बात करेंगे आंतरिक जल प्रवाह की। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, क्योंकि यही जो प्रथम वीडियो होता है वो आपका उस टॉपिक
पर क्या बनाता है, बेस बना देता है, पकड़ बनाता है। इसलिए इसको अच्छी तरीके से देखिए, समझिए क्या क्या कंसेप्ट थी इसमें। इसके बाद में डिस्क्राइब रूप से हम जो बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।